चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हाईवे की जमीन पे नजरे है, व्यापारी सब व्यापारी जमीनें खरीदने लग रहे हैं। अगर आंदोलन नहीं होगा तो मारे जाओगे साहब, लाठी चार्ज होगी, गोलियां चलेगी आपके ऊपर। आंसू गैस के गोले बहुत दिन से चले नहीं। खाद पंचायतों को जाट खाद पंचायत बनाना चाहते हैं, ये ध्यान से सुन लेना सब लोग। सभी किसानों नौजवान साथियों, हमारे समस्त अधिकारी पुलिस प्रशासन के लोग पत्रकार बंधु, देखो बात तो सारी हो जाएगी लेकिन जो जो चीजें हो रही उसको समझ भी लो, कोई बात नहीं। आंदे ने फंस गया, अब जाड़ा में फसण दो। हाँ देखो ये सारे भाजूर आसपास के गांव के लोग हैं, कट तो आपको दुआ देंगे, पर डर ये है कि आप जमीन बेचोगे फिर कट मिलती है, क्योंकि जमीनों के रेट होंगे महंगे। हाथ ये ठाओगे जमीन नहीं बेचनी। हाँ ना देखो, कट बनते ही जमीनों के रेट 5 गुना बढ़ेंगे। जमीन आपकी नहीं है, ये ध्यान से सुन लेना सब। ना आपने खरीद रखी, बाप दादाओं ने जमीन दे रखी, ये आपके परिवार की, आपके बेटों की, आपके पोतों की है। जैसे जैसे जमीनों के रेट महंगे हो गए, आपने आंदोलन करने छोड़ दिए, भाव की लड़ाई छोड़ दी। भाव की कट तो मिल जाएगा, कट की कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए आपको आज बुलवाया, कट तो हो जाएगा। लेकिन कट होती हुई जमीन ने महंगी होगी, जमीन ने जमीन को बेच ना दे कोई भी, अपने कारोबार कर लियो कारोबार, यहां 20 साल बाद में 15 साल बाद में उसी जमीन को देख कर फिर रोओगे। जिस दिन जमीन को कोई बेच देगा, कोई व्यापार कर लेना, उस जमीन को नहीं कभी खरीद सकते। हाईवे की जमीनों पे नजरे है, व्यापारी सब व्यापारी जमीनें खरीदने लग रहे हैं, उनको बचा के रखना, अपने काम धंधे करना। अधिकारी है यहां पे, कुछ नहीं बताएंगे अधिकारी के, यहां ये कह के चले जाएंगे कि हम कट दे देंगे, अरे यहां पे कर लेना। हम इनको इंडिकेट कर रहे हैं कट हम लेंगे, यहां पे कट तो हमारा ट्रैक्टर ले लगा, कट तो एक ट्रैक्टर जंदरी लगा के ले लगा कट तो। आप अधिकारी को बता दो कि लिखत पढ़त में इसको कर लो, हम आज काम भी नहीं रोकने का भी, हमको काम कब रोकना है वो हमको जानकारी है, हमने पूरे देश में कट दुआए और यहां कटना मिले। इस पुल पे को गाड़ियां जब जाएगी मिट्टी तो पड़ेगी इस पे, लेकिन गाड़ियां जब जाएगी जब यहां पर नीचे उतरने का रास्ता हो जाएगा, अभी तो मिट्टी पड़ेगी इस पे, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी पास नहीं उड़ेगी अभी इस पे। खतरनाक सरकार है बहुत, कुछ समझ में ना आओ तो समझ लो सब। अभी चुनाव चल रहे समितियों के, अभी भी नहीं समझ में आया आपकी, किसी आदमी ने पर्चा भरा उसका कैंसिल हुए बिना रहा, सबके कैंसिल हुए कैंसिल, मतलब ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। पूजा पाठ वाली सरकारें हैं ये, पूजा पाठ करने वाली पार्टियां हैं। अधिकारियों को भी बांध लिया, अगर अधिकारी कोई काम करना चाहता है तो एक लपेटा और दे देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को राज्यसभा चाहिए उससे 5-5 साल केस करवाते हैं उससे कोर्टों में, 1-5 साल की राज्यसभा में उससे 5-5 साल तक कोर्टों में केस अपने पक्ष में करवाते हैं। अगर आंदोलन नहीं होगा तो मारे जाओगे साहब। और जितनी ये पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष वाले हैं, हमारा इलाज तो इन्होंने करा विपक्ष वालों ने, इनके भरोसे भी नहीं रहना। जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ वो भी आपने देखा होगा,
ये गन्ना समिति के चुनाव ये किसान का चुनाव था, इसमें भी पार्टी के लोगों ने अपने लोगों को जिताने का काम करा। आंदोलन कहीं नहीं हुआ, जहां पे भी आंदोलन हुआ वहां पे पर्चे कैंसिल नहीं हुए, उसमें भी बीजेपी के लोग घुसे सारे के सारे। अधिकारियों से प्रेशर बढ़वा जा रहा, जो 20-20 साल पुराने मुकदमे थे वे मुकदमे खोले जा रहे हैं, अपने लोगों के मुकदमे सारे सरकार ने वापस लिए हैं। यह तो आंदोलन करना पड़ेगा, और नहीं तो जिसको डर लगता हो वो बीजेपी अपनी ज्वाइनिंग कर लेना। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। अधिकारियों की हिम्मत कि हमारे लोगों के साथ में न्यूसेंस करते हो, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन अधिकारी कान खोल कर सुन लो के मंत्री के कहने पे ये कहते हो कि कोई अधिकारी इनके मीटिंग में ना जाए। ये कान खोल कर सुन लो, कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई अधिकारी हो, हमारे लोग जाएंगे, लाठी चार्ज होगी, गोलियां चलेगी आपके ऊपर। आंसू गैस के गोले बहुत दिन से चले नहीं, एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, नहीं तो आपकी सारी जमीन जायदाद जाएंगी, आपको भाव नहीं मिलेगा, जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी, आप जमीन बेच के अपने खर्चे चलाओगे। आप आंदोलन करो, हमारे फसलों के दाम चाहिए। कितने आपकी ट्वेल्व पर चोरी हो रहे, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। ये अधिकारी कान खोल कर सुन लो, अगर नंबर एक का काम करना चाहते हो तो रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। एक संघर्ष करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर वो याद रखना, ट्रैक्टर अगर आंदोलन कमजोर होगा तो 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर गाड़ियां सब टूटेंगी। ज्यादा खतरनाक स्थिति है पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। कोई सरकार आपसे बातचीत करना नहीं चाहती। अब यहां पर सरकारी संगठन बनाए जैसे पार्टियों को तोड़ने का काम करा जा रहा, ऐसे ही आपके संगठनों को तोड़ने का काम करा जा रहा। यहां पे खाप पंचायतों पे सबसे ज्यादा सरकार का टारगेट है, खाप पंचायतों को जाट खाप पंचायत बनाना चाहते हैं। ये ध्यान से सुन लेना सब लोग, खाप पंचायतों के नए नए संगठन बनाएंगे, खाप पंचायतों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, और जब इस किसान संगठन को कमजोर करने का काम करेंगे। हमको आंदोलन करना होगा। कट तो यहां पे आ गया, अधिकारी यहां पे आ गए, बता दे इस पंचायत ने फैसला कर लिया कि यहां पे कट पड़ना है तो कट पड़ना है, और जाके पता कर लेना बाजरा कट कैसे बना था। नहीं तो एक तरीका हमारे पास में है, अपना गांव और अपना कट, या तो जहां जहां पर सड़कें हैं वहां पर कट बनाने का काम करें। बिजली का यही मामला है, वहां पर अधिकारी आए मुजफ्फरनगर में और उन्हें कहा कि जो मीटर लगवाना चाहता हो लगवा ले। मुख्यमंत्री का आदेश था, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट घोषणा करी भाई बीड़ी ना पियो, 10 का उठे रुक जाओ। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री की बात मानेंगे, महात्मा आदमी एक गेर में बस धारण कर रखे, झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि 2027 तक बिजली फ्री रहेगी, हम बिजली फ्री लेंगे 2027 तक। मीटर में कोई फ्री बिजली नहीं आती, मीटर की रीडिंग आती रहे उसका पैसा बाद में ले जाएगा, ना लगेगा मीटर। और मीटर को तो भाई चोर पाड़ के लग रहे, ले जाओ उसमें कोई सोने का टंका लग रहा। जिसका मीटर पटे भाई रिपोर्ट दर्ज करवा देना थाने में, और चोर लेकर जाल लग रहे उसको मीटरों को। और बिजली वालों का आंदोलन चल रहा, हम पहले भी बिजली के जो कर्मचारी उनके साथ में पहले से भी है, भारतीय किसान यूनियन टिकेत साहब के टाइम से बिजली कर्मचारियों के साथ में रहती है, हमारा पूरा समर्थन उनके आंदोलन को है। 72 घंटे का उनका आंदोलन है, हमारा पूरा समर्थन उनको रहेगा।
जो भी कर्मचारी आंदोलन करेगा हमारा समर्थन रहेगा उसको। इस सरकार के खिलाफ बहुत आंदोलन चलेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलने को तैयार नहीं है, सबका कुछ न कुछ इन्होंने बांध लिया सबको। अगर कोई बोलना चाह तो एक अलबेट्टा और दे देते हैं, जैसे कोई मरखाना सा नहीं हो जाता उसका और नीचे बांध दे। तो अपने आंदोलन पे ध्यान दो, आंदोलन पे, अपने संगठन पे ध्यान दो। बगैर संगठन के कुछ नहीं बच सकता। ये बाजू कट है, जो दूसरे भी और कट है, वहां पे भी मीटिंग करेंगे, जहां जहां पे भी जरूरत है, जिसको जरूरत होगी, जहां मीटिंग होगी वहां की बात रखते रहेंगे। मीटिंग का टाइम 4 से 6 बजे तक रखो, और अगर ज्यादा ही वो है तो शाम को फिर रागणी का प्रोग्राम रखो। ये ठीक प्रोग्राम है, अधिकारी यहां पे हैं, हम उनकी बात सुनेंगे कि उनके पास में कुछ है या नहीं है। हमारा पंचायत का डिसीजन है, अपना हाथ उठा के ये प्रस्ताव यहां पे करो कि यहां पे कट चाहिए, पंचायत ने फैसला कर लिया। पंचायत का निर्णय है हमारा, और पंचायत को ही परमेश्वर मानते हैं। आप लिखत पर अजम दे दो, और नहीं तो जैसे मुंडभर में बिजली घर बना, पहले इतिहास पढ़ देना इस क्षेत्र का। 6 साल बाद में, 8 साल बाद में वो बिजली घर कागजू में चढ़ा, बिजली घर चालू हो गया था, 27 दिन उसको बनाने में लगे थे। उस टाइम पे 9 लाख रुपए का खर्चा गांव के लोगों का आया था। ऐसे ही पानी की टंकी बनी थी। तो यहां का इस क्षेत्र का इतिहास पढ़ लेना, कट तो यहां बनेगा। अब इनका काम नहीं रोकेंगे, जब काम रोकना होगा गाड़ी तो यहां से ही चढ़ेगी। अगर देहरादून जाना होगा और दिल्ली जाना होगा, गाड़ी तो यहां से ही चढ़ेगी। तो आप लोग धन्यवाद है, बैठे रहे, अभी जो अधिकारी है उनकी हम बात सुन लेंगे, उनकी बात सुनेंगे। पहले जो अधिकारी है, सब लोग शांति से बैठे रहे, मौसम बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया मौसम नहीं हो सकता। हम खामा खा दोपहरी में मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का टाइम गर्मी में 4 बजे का। अपना घर से घास घूस कर आओ, 4 बजे अपना मीटिंग करो, घर वाले भी तंग नहीं करने के, और मासिक पंचायत भी 4 से 6, 2 घंटे बहुत है। अधिकारी कहाँ है? भाई रुक जाओ, बात सुन लो अधिकारियों की। एक तो यहाँ के कट का मामला है, जो और कुछ नाली ऊपर नीचे है वो नैनो वाले क्यों लग रहे तुम नैनो ले ना? गांगडोली पहले मीटिंग करवाइए, गांगडोली का कट है, वहां की मीटिंग वहां करवाइए। बागपत का मामला, हलवा बनवाओ, कुछ मिठा खट्टा खुआओ या नहीं जी? भाई एक बात तो बताओ भाई, बिना हलवा खाए कट सा रहा या नहीं? भाई फिर पंचायत वहां करेंगे, रख लियो जब रखोगे, जब आ जाएंगे या ठीक है जी। हाईवे के मामले में इन्हें, अरे पछड़े तो देखो, पछड़े तो मुख्यमंत्री जी ने कह रखा कि, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा पछड़ों के लिए, कि जो पुलिस स्टेशन है, थानेदार को बहुत बड़ा फंड दे रखा, थाने में छोड़ जाओ, वो बड़ी गौशाला में भिजवाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कह रखा कि व्यवस्था जो है थानेदार करेंगे, वहां पर छोड़ जाओ, उनके पास में फंड है, और वे उन्होंने कहा कि बड़ी गौशाला में उनको छोड़ जाओगे। अच्छा 20 तारीख में, हाँ एक 20 तारीख का मामला है, 20 तारीख की मीटिंग है दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड है वहां पे स्टेशन के पास में, ट्रैक्टर से नहीं जाना आपकी बार, ठीक है, अपनी गाड़ी भी मत लेकर जाइयो, रेल में बैठो, वहीं उतरो और वहां से ही फिर रेल में बैठ रहो, एक दिन का प्रोग्राम है। भाई रेल में भी तो आना जाना भूल गया मैं, रेल में यहां गाड़े शामली से बैठो, सारी बात बता रहेगा फिर है? कोई नहीं प्रेशर बनाना भाई, खंभा इतने सब लिखित में नहीं दोगे, इतने बधेड़े में खंभा नहीं लगने का, प्रेशर तो बढ़ाओगे, इनका काम है भाई, तुम प्रेशर में आगे तो लगवा लोगे, नहीं आओगे तो ना लगवाओ, जेल जाने का नहीं सिंहलाबाद।
जेल प्रकाश को भेज दिए। हाँ बट ठीक है, मोदी साहब है बड़ा भाई, ठीक रहेंगे। एडीएम साहब को बुलाओ भाई, आओ जी अधिकारी आओ, अच्छा बैठ लो।